हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षविता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखना टॉपिक को देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि ये सीखना है क्या। इसमें सबसे पहले है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। ठीक, सीखना आप पहले जान लीजिए कि है क्या, कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है, सीखना एक आम प्रचलित प्रक्रिया है जो बच्चे के तुरंत जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है और मनुष्य के अंतिम सांस तक अनवरत जारी रहती है। ठीक है, यानी कि सीखना जब से हम एक बच्चा पैदा होता है तब से शुरू होता है, उसके जीवन के अंतिम काल तक सीखना उसका आरंभ रहता है, चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखना को अधिगम भी कहा जाता है। ठीक, सीखना को अधिगम भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुभव, आपको सीखने की कुछ परिभाषाएँ दी हैं यहाँ पे, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये गेट्स ने कहा है। ठीक, ये हमारा डिफिनेशन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। सीखना एक परिवर्तन है जो कि सार्वभौमिक है, यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। ठीक है, यहाँ भी ये डिफिनेशन आपकी वुडवर्थ की है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफिनेशन देखिए कि किसकी परिभाषा है, तो ये आपका वुडवर्थ का है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। सीखने की नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सीखने के नियम बताए हैं। ठीक है, हमने देखा बताया कि सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, ये थॉर्नडाइक के जो नियम है इसको हम एक ट्रिक के थ्रू देखेंगे, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये थॉर्नडाइक के नियम कौन से हैं, ट्रिक हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में आपका पहला, या उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, लगातार हम अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमारे दो तरह के नियम लागू होते हैं। ठीक है, पहला है इसमें उपयोग का नियम, तो जिस चीज़ को हम सीखते हैं तो उसको हम अपने डेली के कामों में डेली उसको यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, वही हमारा उपयोग का नियम है। और दूसरा है अनुपयोग का नियम। ठीक है, हम चीज़ों को सीख तो लेते हैं, लेकिन उसका यूज हमारे जनरल कामों में नहीं होता है, डेली के कामों में नहीं होता है, या कहीं भी उसका यूज नहीं होता है, तो जिन चीज़ों का यूज हमारे लाइफ में नहीं होता है, वो हमारे अनुपयोग के नियम के आधार पर सीख तो लेते हैं, लेकिन वो हमारे यूजलेस, हमारे काम का वो नहीं होता है, तो उसी को यहाँ कहा गया है कि अनुपयोग का नियम। सीखते तो हम दोनों चीज़ें सीख तो लेते हैं, लेकिन वहाँ काम हमारा दोनों करता है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जिसे हम यूज करते हैं वो हमारा उपयोग का नियम है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, धीरे धीरे उसको हम भूल जाते हैं, वो हमारा अनुपयोग का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। ठीक, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ भी दो चीज़ें लागू होती हैं। फर्स्ट है आपका संतोष का नियम और दूसरा है आपका असंतोष का नियम। ठीक है, तो संतोष का नियम क्या है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं और वो हमारे काम की चीज़ होती है, उसकी हमें समाज में तारीफ होती है, हमारी फैमिली उसके लिए हमें बढ़ावा देते हैं, खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो वहाँ उस चीज़ को सीखने के बाद हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने एक अच्छी चीज़ सीखी है, जिससे हमारा समाज में या परिवार में हमारा नाम हो रहा है। और दूसरा है हमारा असंतोष का नियम। ठीक है, असंतोष का नियम क्या है, जिस चीज़ को सीखने से हमें खुशी नहीं मिलती है, समाज में बुराई ही होती है उससे, तो क्या होता है कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती है, और ना ही हमारा समाज उसकी तारीफ़ करता है, ना हमारी परिवार तारीफ़ करता है। जब हमें तारीफ़ नहीं मिलता है, वो सीखना हमारे लिए बेकार हो जाता है और हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो यहाँ उसी की बात कही गई है, असंतोष का नियम। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सीख लेते हैं तो उसका हमारे पर प्रभाव पड़ता है, वो दो तरीके से पड़ता है, संतोष और असंतोष का। ठीक है,
नेक्स्ट है तीसरा तत्परता का नियम। ठीक, तत्परता का नियम क्या है कि जब हम कोई काम सीखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें तत्पर होना होता है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज उस काम करने के लिए हमें किसी ने कहा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो हम इसको खुश होकर उसको करने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ नहीं करेंगे करेंगे, लेकिन एक समय बीतने के बाद हमारा मन नहीं लगता है, अगर उस चीज़ को हम नहीं सीख पाते हैं तो हम वहाँ से कटने लगते हैं, हमारा मन उस चीज़ से हटने लगता है और हम उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सीखने का नियम हमें यही बताता है कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो एक समय आएगा हम उस चीज़ को अच्छी तरह सीख लेंगे। ठीक है, चाहे वो कितना भी कठिन से कठिन चीज़ हो, हम पहले सोच रहे हो कि हाँ ये बहुत कठिन है, लेकिन कंटिन्यूटी होगी, तत्परता होगी तो हम उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये ट्रिक है क्या, ट्रिक क्या क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो हमारे सीखने का नियम और सिद्धांत, ये दो चीज़ें लर्निंग में इम्पॉर्टेंट हैं। तो नियम जो और नियम और सिद्धांत में हम कन्फ्यूज जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत है और कौन सा नियम है, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रिक है क्या। तो ट्रिक है आपका APT। ठीक है, APT जैसे कि हमने आपको लीवर में बताया था आपका ट्रिक, वैसे ही यहाँ पे भी वही ट्रिक काम करेगा APT का। ठीक है, APT यानी कि इसको हम APT को कैसे याद कर सकते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन में, जैसे कि ऑल फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ऑल फिजिकल ट्रेनिंग, PT का फुल फॉर्म क्या होता है अपने यहाँ, फिजिकल ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे हम ऑल फिजिकल ट्रेनिंग याद कर लेंगे। जैसे थॉर्नडाइक का नियम जो है क्या, ऑल फिजिकल ट्रेनिंग है। ठीक, यानी कि आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास प्रभाव। ठीक, और तीसरा है आपका तत्परता। ठीक, ऑल फिजिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे ये इसको याद करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये मैंने आपको ऑल फिजिकल ट्रेनिंग बताया है, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा ऑल फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक, तो ऑल फिजिकल ट्रेनिंग आपका थॉर्नडाइक का नियम है, यानी कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये आपका ट्रिक है। इस तरह आपका पूछ लिया जाए कि इसमें से कई सारी चीज़ें दे देंगी और इसमें अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम किसी एक नियम को दे देगा और सीखने के सिद्धांत हो सकते हैं, या किसी और सिद्धांत को भी ले लीजिएगा और पूछेगा कि इसमें से सीखने का नियम कौन सा है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप भूल नहीं सकते हो। कभी कभी क्रम में भी दे देता है कि कौन सा क्रम है, तो वो भी हो सकता है। तो याद रखिएगा आप कि यही आपका ट्रिक है ऑल फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।